राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमकर हमलावर बनी हुई है। नागौर में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर टिप्पणी की है। रंधावा ने कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। रंधावा के इस बयान के बाद भाजपा भी हमलावर के मूड में आ चुकी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने गत दिनों वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। उसके बाद कांग्रेस सियासी गलियारों में इसको मुद्दा बनाकर भाजपा को घेर रही है। नागौर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। वहीं भाजपा ने रंधावा के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस दौरान रंधावा ने आडवाणी को लेकर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले को राम मंदिर से इतना लगाव है तो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लेकर जाते, अब कह रहे हैं कि आडवाणी को भारत रत्न दे दो, लेकिन भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। वहीं रंधावा ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुलामी के समय कांग्रेस के नेता घूमते थे, तब अंग्रेज उन्हें सांस भी नहीं लेने देते थे, लेकिन कांग्रेस सभी जगह पर्चियां बांटती थी, उसमें लिखा होता था कि देश को आजाद कराना है। रंधावा ने कहा, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को फिर से लाना होगा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी जी हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी रहती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।